फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बूंदी की सब्जी बनाना। हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू तो आप सबने खाए हैं, पर क्या आपको पता है बूंदी का रायता के अलावा बूंदी की सब्जी भी बन सकती है, वो भी इंस्टेंट 2 मिनट सब्जी। इसके लिए हम सबसे पहले एक भगोने या कुकर, जो भी बर्तन आपको सही चाहिए हो वो आप डाल लेंगे गैस के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये हमने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे और हींग और जीरे को अच्छे से सेकने देंगे। जब हमने जीरा डाल दिया तो उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे, इसे सेकने देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। दोस्तों, ये हमारा जीरा सिक गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हम इसका मसाला अच्छे से पका सकें। अब हम इसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाल देंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच। जितना हमने मिर्ची डाला है उतना ही हम नमक डालेंगे ताकि दोनों की क्वांटिटी बराबर हो। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दिया नमक। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मसाला पकने देंगे, जब तक इसमें तरी ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, फीकी बूंदी डाल देंगे, जो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी। जिसका आप रायता बनाते हैं उसी बूंदी की सब्जी है ये, जो 1 मिनट में तैयार हो जाती है। आप इसमें फीकी बूंदी डाल देंगे, अपन ने इसमें फीकी बूंदी डाल दी, तो इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। तो हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसे एक बार अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे और इसे 1 सेकंड के लिए पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट पकने के बाद हमारी बूंदी की सब्जी तैयार है। ये कितनी अच्छी रसीली झोल भरी बूंदी की सब्जी तैयार है। इसे आप आराम से पूड़ी के साथ, परांठों के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। इसमें आप पानी पताशे वाले पताशे भी खा सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। तो खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए बूंदी की एक नई डिश। रायता नहीं, लड्डू नहीं, बूंदी की सब्जी, जो आप घर में 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।